पार्ट टू लेक्चर है. क्वेश्चन 5, 1 अप्रैल इन एनके लिमिटेड लेजर, प्लीज गिव प्रॉपर अटेंशन. 9% डिबेंचर अपियर विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 डिबेंचर्स एट पार. क्वेश्चन 9 देखिए, 1 अप्रैल ऑलरेडी हमारे पास ओपनिंग लायबिलिटी 50 लाख की है. क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वॉज पेड हाफ ईयरली 30 सितंबर 31 मार्च. 31 मई कंपनी परचेज ओन डिबेंचर. आगे सुनना भी, हाउ दिस सम डिफर फ्रॉम द प्रीवियस वन. हमने सोच के बोलो, क्वेश्चन 5 की 4th लाइन, कितना डिबेंचर खरीदा? 5,000. अब सुनना आगे, ध्यान से सुनना. 31st 12, 5,000 डिबेंचर आउट ऑफ 8,000 डिबेंचर हमने परचेस कितना किया? 5,000. वो गलत है, फिर 8,000 करना पड़ेगा, 8,000 करना पड़ेगा, इट्स नॉट प्रॉपर. 8,000 परचेस किया. मेक स्मॉल करेक्शन, लाइन नंबर 4 में छोटा सा करेक्शन कर दो. लाइन नंबर 4 छोटा सा करेक्शन, इसमें बाद में कर देना. वी परचेस्ड 8,000 डिबेंचर. सुनना, ये लो अटेंडेंस लो. वो 8,000 डिबेंचर में 31st 12 को क्या किया? 5,000 डिबेंचर कैंसल कर दिया. आगे पढ़ो, आगे पढ़ो. 31st जनवरी इट रीसोल्ड 2,000 डिबेंचर. मतलब आप डेट वाइज जाएंगे, यू हैव टू प्रिपेयर 3 लेजर अकाउंट. अब ध्यान से देखना, जरा मुझे बताओ मेरा ईयर क्या है. ईयर 1/12 to March 13. मेरे इंटरेस्ट डेट क्या है? 30 सितंबर इंटरेस्ट देने वाला हूं, 31st मार्च, 6 मंथ. बोलो, मेरा एक तो ओपनिंग बैलेंस है, दैट्स ओके. हमने डिबेंचर कब खरीदे है? 31st मई. हाउ मेनी? 8,000. आगे बराबर लिखा भी है ये बात, परचेस 8,000 डिबेंचर. अब 5 का 8 करना है, लाइन नंबर 4 8 है. 31st 12 12, देखिए इधर सोच के आंसर दो, क्या हो रहा है? कैंसल्ड. कितना? 5,000. आगे बढ़िए, व्हाट हैपेंस ऑन 31st जनवरी? इधर क्या हुआ? सोल्ड 2,000. अब देखो अभी क्या हुआ, अभी भी 1,000 स्टॉक में रहेगा, बैलेंस 1,000 अभी भी स्टॉक में रहेगा. वी बॉट 8, 5 वी कैंसल्ड, 2 वी सोल्ड, 1 विल बी स्टिल लेफ्ट क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है, अब हमको 4 लेजर अकाउंट बनाना है और जर्नल भी बनाएंगे. जर्नल ऑल्सो विल मेक, ये भी लिख डालो इतना. आई होप ये तुमने पहले के समय भी लिखा होगा. ड्रॉ लेजर अकाउंट. 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर. 2 में 1 में क्या है? क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं? अरे अभी एक मिनट, मेरा टोटल ऑफिशियल लेक्चर कितना था आज? 2. तो 2 हो गया. अब मैं जो लेक्चर ले रहा हूं किसका ले रहा हूं? कॉस्टिंग वाला. तो एक करना है. अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखना. इट्स गुड थिंग दैट मोस्ट ऑफ यू अटेंडेड टुडे. अच्छी तरह से समझना, जो आज नहीं आए भगवान उससे बच के रहे. आई कांट हेल्प एनीथिंग नाउ. मैं कोई नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट नहीं करेगा, इसका जो बचा हुआ पार्ट पर ही आगे जाएंगे. आई कैन नॉट हेल्प एनीथिंग. ये लिख दिया, अब स्टार्ट करें. इधर देखिए, हैव यू रिटन दिस? ये लेजर अकाउंट है ओनली 1 ईयर का. सोच के बोलो ये कौन सा अकाउंट है, बैलेंस शीट में असेट का है कि लायबिलिटी का है? इधर देखिए लास्ट बॉय, ये असेट का है कि लायबिलिटी का है? उसका उसके बाजू वाला तो देखो, उसको तो नहीं पढ़ना है, तुम तो पढ़ो.
My question is asset का है कि liability का? Liability, debenture loan, we are the company. ये क्या है? ये liability पर interest देना होता है. ये क्या है? पता है हम investment करने वाले हैं. उसकी income होती है. ये investment करेंगे तो income मिलेगी. ये income PML credit में जाएगी. ये interest expenditure PML debit में जाएगा. So let's draw 8 lines. I hope तुमने video recording भी start किया है. फर्स्ट लाइन से सीक्वेंस में जाएंगे, साथ में वर्किंग में जर्नल भी करते रहेंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर. कुछ टॉपिक लेजर से डायरेक्टली इजी समझते हैं, कुछ टॉपिक जर्नल से समझते हैं. ये टॉपिक जर्नल से इजी समझेगा. सो जर्नल हैज नॉट बीन आस्क्ड, बट वी विल प्रिपेयर सो दैट यू अंडरस्टैंड इट. एकदम ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और मजे की बात है, एग्जाम में पूछा जाता है, सभी जगह पर यह टॉपिक पूछा ही जाता है. लेट्स गो इन द सीक्वेंस नाउ. Let us go in the sequence. Debenture is a liability. उसके पर company will pay interest expense. हम investment करने वाले हैं, उसके पर हम income कमाने वाले हैं. ये वाला part सही तरीके समझने के लिए आपको investment chapter ठीक से आना चाहिए. नहीं आता है तो आप investment account का पहले मेरा video देखना. Let's go in the sequence. 1st April, MK Limited ledger appeared 9% debenture opening balance 50 lakh. सोच के बोलो, ये कहां लिखो? 50 lakhs opening balance लिखो, 50 lakh का opening balance लिखो, 50 lakh opening balance, 1/12 debenture liability has an opening balance of 50 lakhs. Debenture has got an opening balance of 50 lakhs. Debenture has an opening balance of 50 lakhs. 31st May, it purchased. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 31st May, हमने डिबेंचर खुद के परचेस किए. अब मैं जो बोलता हूं ध्यान से सुनना, क्या हम 31st May को खुद के डिबेंचर परचेस किए? यस. दो ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी दो? आइदर यू आर कैंसलिंग इमीडिएटली और नॉट इमीडिएटली. इफ यू कैंसिल इमीडिएटली तो रिडेम्पशन की एंट्री कर दो, डिबेंचर डेबिट टू बैंक वाली. If you are not cancelling immediately, always remember it is an investment account chapter. Now that it is an investment account chapter, याद करो investment account chapter. हम entry क्या करते हैं? याद करिए investment account chapter. Investment debit, interest debit to bank. याद आया? Investment debit, interest debit to bank. Investment account chapter. लेकिन मैं investment का पूरा नाम लिखना चाहता हूँ. क्या आप पूरा नाम बता सकते हैं investment का? Yes, investment in on debenture. तो फिर इंटरेस्ट के लिए भी क्या लिखूं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. टू बैंक. याद करिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर. हम सबसे पहला कौन सा अमाउंट लिखते थे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर. इन्वेस्टमेंट का फिगर, इंटरेस्ट का फिगर कि बैंक का? बैंक. सबसे पहला हम बैंक लिखते थे. और पता है वो बैंक का फिगर कैसे निकालते थे? एक्चुअल पेमेंट. हम देखते थे मेथड ऑफ निगोशिएशन क्या है, कम इंटरेस्ट की निगोशिएशन है या एक्स इंटरेस्ट है. आप पढ़ के बताइए कौन सा मेथड ऑफ निगोशिएशन है. हम लोग ने एक्स इंटरेस्ट खरीदा है. याद करिए एक्स इंटरेस्ट में एक्चुअल पेमेंट क्या होती है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हमेशा कहां से कहां तक का जाता है? लास्ट इंटरेस्ट डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. हमेशा लास्ट इंटरेस्ट डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है. मार्च के बाद अप्रैल में दो महीने का इंटरेस्ट. याद करिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर. याद करिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर. याद करिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर. एक्चुअल पेमेंट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट. अब एक्स इंटरेस्ट प्राइस लिखिए. एक्स इंटरेस्ट प्राइस लिखो 8000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 98. स्ट्रेट में लिख सकते हैं या तो 98% ऑफ फेस वैल्यू 8 लाख. सेम आंसर आता है. 8000 मल्टीप्लाई बाय 98 एक्चुअल पेमेंट एक्स इंटरेस्ट प्राइस. एक्स इंटरेस्ट प्राइस बताओ 8000 इनटू 98 ये 784. और इंटरेस्ट के बारे में क्या कहना है? रेट क्या है? 9%
फेस वैल्यू सोच के बोलना 8 लाख 2 मंथ 9% इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर होता है 8 लाख रुपीज 8,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच 8 लाख 2 मंथ समझते हैं ना अप्रैल एंड मई 2 मंथ ये बताओ किसी ने कैलकुलेट किया है 12,000 और दोनों मिलाकर टोटल 796 ये मेरा बैंक का फिगर है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रेडी है और ये बैलेंसिंग फिगर 784 है जर्नल से लेजर पोस्ट कर दो जर्नल से लेजर पोस्ट कर दो पोस्टिंग कर दो इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक जर्नल से लेजर लिखने में इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर को याद करो सबसे पहले बैंक लिखते हैं फी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट 784 अच्छी तरह से समझना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के लिए सामने का नाम बैंक हम इंफॉर्मेशन के लिए फेस वैल्यू भी लिख सकते हैं हम इवन ये आंसर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के फॉर्म में भी इतना बना सकते थे वो फेस वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट बट ये इजी पड़ता है इंटरेस्ट डेबिट सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक मैं 31 मई हो गया 31 मई हो गया 31 मई इज ओवर अब 30 सितंबर की एंट्री सोचना कुछ अलग डायमेंशन से सोचना 30 सितंबर में क्या होगा इंटरेस्ट 30 सितंबर में क्या होगा इंटरेस्ट क्या मैं ये मिटा दूं कैलकुलेशन 30 सितंबर के बारे में सोचो एंट्री करो 6 मंथ ओवर मुझे इंटरेस्ट देना है किसके पर इंटरेस्ट देना है डिबेंचर मैम की लायबिलिटी है उसके पर इंटरेस्ट देना है डिबेंचर मैम की लायबिलिटी पर इंटरेस्ट देना है अब ध्यान से देखना मैं एंट्री कैसे करता हूं देखना मैं एंट्री कैसे कर रहा हूं 30 सितंबर डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट दिमाग लगाना आप 1 मिनट के बाद लिखना जस्ट हेल्प मी 9% 50 लाख 6 मंथ मैं इधर हूं मुझे 6 मंथ का इंटरेस्ट देना है मेरी डिबेंचर लोन 50 लाख है मैं 6 मंथ के लिए पैसा वापस रहा हूं 9% 50 लाख फॉर 6 मंथ बताइए इज दैट 225 क्या ये 225 है अरे भाई 9% 50 लाख फुल ईयर का 4.5 लाख 6 मंथ तुम्हारा एक्ट में क्या है हाँ तो इधर ध्यान दो तुम पीछे क्यों चली गई ऑलराइट अब बताओ मैं फिगर रॉन्ग लिख रहा हूं आप बताओ डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक फिगर रॉन्ग है कौन सा क्रेडिट वाला फिगर रॉन्ग है कोई बता सकते हैं क्यों हाँ थोड़ा तो डिबेंचर अपने पास ही है 50 लाख का सबके सब थोड़ी बाहर वाले के पास है 8 लाख का डिबेंचर तो अपने पास है उनको थोड़ी बाहर वाले का ही चेक जाएगा तो बताओ बाहर वाले का आउटसाइडर का कितना कैलकुलेट करना चाहिए आउटसाइडर 9% 42 लाख 6 मंथ 9% 42 लाख वाई 42 लाख अरे भाई 8 लाख का तो खुद के पास है बाहर वाले को चेक देने वाला हूं ये बताइए कितना हो गया 189 अब सुनना दुनिया इधर से इधर हो जाए टैली तो होना ही चाहिए कैसे 9% खुद के 8 लाख 6 मंथ ये कैलकुलेट करके बताओ 36,000 पता है 36,000 क्या है खुद वाले ओके अब समझने के लिए ऐसा समझो सुनना कंपनी में समझने के लिए ऐसा समझो
हमारी जो कंपनी है एक लोन मैनेजर है, वो सीएफओ है, लायबिलिटी डिबेंचर. क्या बोला? दो अलग आदमी काम कर रहे हैं, ऐसा ही समझो ना. एक लोन मैनेजर है, सीएफओ है, वो लोन लेने का काम करता है, और छोटा पैसा जो होता है एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, उसका काम है इन्वेस्टमेंट करने का. दोनों अलग स्पेशलाइज स्किल है. पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर का काम होता है, लोन लेना सीएफओ का काम होता है, आईपीओ एनरोल. तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने 8 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो फेस वैल्यू 8 लाख है, पर उसे वो 784 में मिल गया था. जब 6 महीने खत्म होगा तब पता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर आके बोलेगा मेरी इनकम किधर है. कुछ बात समझ में आया? आफ्टर 6 मंथ वो बोलेगा ना कि मेरा परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है तो मेरी इनकम भी तो कंसीडर करो. तो पता है उसने कंपनी को कितना कमा के दिया है? 36,000. लोन मैनेजर ने कितना एक्सपेंडिचर करके दिया है? 50 लाख पर. लोन मैनेजर 50 लाख पर इन्वेस्टमेंट पर एक्सपेंडिचर करता है, लायबिलिटी पर. यह कमा के देता है तो यह कहां लिखू? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर. यह इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन. सुनिए, यदि सुनो, इफ मैं 50 लाख पर एक्सपेंडिचर कंसिडर करता हूं, ये निकम्मे लोग हैं, और बुलुन स्टेशन ध्यान नहीं दे रहा है, कहां से देगा? कुछ समझ नहीं रहा है वो. तुम भी आसाम वाले हैं? हाँ, अच्छा हो गया, वरना तुम आसाम का गलत फहमी से नाम डुबाता था. हमेशा मैं उन्हीं को पकड़ता हूं. अच्छा है तू वहां का नहीं है, क्योंकि तुम भी ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग, वांदे हो जाएंगे. अरे तुम्हारे वांदे हो जाएंगे, यू विल बी रिटेंड हियर. तुम पढ़ेंगे नहीं तो वांदे हो जाएंगे, और दोनों के बीच में तेरा भी. हाँ, तुझे ही बोल रहा हूं, स्माइल नहीं चाहिए मुझे, अटेंशन चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए. 36,000. देखो, 50 लाख पर इंटरेस्ट का एक्सपेंडिशन होगा, ये पीएमएल डेबिट में आएगा, और इसकी मैंने इनकम कमा के दिया है, पीएमएल क्रेडिट में आने वाला है. ये इंटरेस्ट इनकम पीएनएल क्रेडिट में क्लोज होगा, ये एक्सपेंडिचर पीएनएल डेबिट में होगा. डिफरेंस चेक दिया, जर्नल को लेजर में पोस्टिंग कर दो, जर्नल को लेजर में पोस्टिंग कर दो. 30 सितंबर 2025 ब्रेकअप क्या है? 189 एंड 36. मैंने 225 का डेबिट पोस्टिंग कर दिया है, मैंने 225 का डेबिट पोस्टिंग कर दिया है. 36,000 क्रेडिट साइड, 36,000 क्रेडिट साइड, सामने का नाम, 36,000 क्रेडिट साइड, सामने का नाम, 225 डेबिट साइड, सामने का नाम, 225 डेबिट साइड, सामने का नाम, 225 डेबिट साइड, सामने का नाम, इंटरेस्ट 36 क्रेडिट, सामने का नाम. आप डेट वाइज टाइमलाइन वाइज चेक करो हम कहां है, टाइमलाइन के हिसाब से चेक करो हम कहां है. ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब हम 31 दिसंबर को 5000 डिबेंचर कैंसिल करना है. लायबिलिटी साइड से लायबिलिटी को आउट करना, असेट साइड से प्रोपोर्शनेटली असेट को आउट करना. मैं यदि बैलेंस शीट बनाता हूं जो बनाया था, तो मुझे 9% डिबेंचर लायबिलिटी 50 लाख है, सामने इन्वेस्टमेंट है, ये 8000 डिबेंचर की फेस वैल्यू 50 लाख, अरे 8 लाख है, जिसकी कॉस्ट 784 है. लायबिलिटी से असेट आउट करना है, लायबिलिटी से लायबिलिटी आउट करना है, असेट में से असेट आउट करना है. लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, नोट द होल 8000, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो. इट कैंसल्ड 5000 आउट ऑफ द 8000 डिबेंचर विच वी हैड परचेस्ड ऑन 31 मे. चलिए, लायबिलिटी में से लायबिलिटी आउट करो. सुनना, कॉमन सेंस चलाना. मुझे लायबिलिटी डिबेंचर को आउट करना है. मैं 31 इंटरेस्ट भूल जाओ, बाद में बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात बाद में बात करेंगे. 9% डिबेंचर डेबिट, 5000 डिबेंचर 100 ईच. बताइए ये राइट आंसर है कि रॉन्ग है? सही है. अरे 5000 डिबेंचर डेबिट राइट है. ये एंट्री जब मैं पोस्ट, इंटरेस्ट भूल जाओ, बाद में बात करता हूं, ये एंट्री जब पोस्ट करेगा, बाद में ओनली 45 लाख की लोन बचेगी, क्योंकि 5000 डिबेंचर आउट कर रहे हैं.
हम 5000 डिबेंचर आउट कर रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। देखो दो ही रास्ता है, या तो 3 साल में तुम्हारे पीछे बिगाड़ के कोशिश करूं कि तुम सुधर हो जाए, सुधर जाओ, और ऑप्शन मैं 3 मिनट मेरे पीछे स्पेंड करूं और मैं सुधर जाऊं। 3 साल के बाद तुमको सुधारना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन 3 मिनट स्पेंड करने के बाद मैं सुधर जाऊं, ऐसा हो सकता है? तुमको कोई सलाह नहीं देने का, एडवाइस नहीं देने का, गुस्सा नहीं करने का, मैं स्विच दबाया, मशीन स्टार्ट, पढ़ाई स्टार्ट, पीरियड खत्म, लाल बटन दबाओ, बोलना बंद, चलो वैसे पढ़ते अभी। 5000 डिबेंचर, 100 ईच, 5 लाख, 50 लाख में से, 50 लाख में से 5000 डिबेंचर आउट हो गया। अब सोचो, रीड द क्वेश्चन 31st 12, 5000 डिबेंचर कैंसल्ड, सामने असेट में से क्या कैंसल होगा? इधर से लायबिलिटी कैंसिल हो गई 5 लाख की, अभी 9% 45 लाख बचेगा, असेट में से कितना कैंसिल करूं? कॉमन सेंस चलाओ, क्या मैं 784 को कैंसिल करूं? गलत जवाब, वो तो 8000 के लिए, प्रोपोर्शनेटली 5000 के लिए कैंसिल करना है। इन्वेस्टमेंट इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, उसे कैंसिल कर दो, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। आपका जो ये 784 था वो तो 8000 डिबेंचर का था, आपको प्रोपोर्शनेटली 5000 डिबेंचर का कैंसिल करना है, बताइए कितना हो जाएगा? 784 तो 8000 का था, तो प्रोपोर्शनेटली 5000 का कितना? 4,90,000। मुझे डाउट आता है फिगर पर, फिर भी यू मे बी राइट, चेक किया किसी ने? अरे इधर देखिए ना, 784 फेस वैल्यू की लैंग्वेज में बोलू तो 8 लाख की है, उसमें से 5 लाख फेस वैल्यू कैंसिल करो, क्या तो नंबर की लैंग्वेज में बोलू तो ये 8000 डिबेंचर था, उसमें से 5000 आउट होएगा। अच्छा रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? बचेगा ना, अभी ये एंट्री पोस्टिंग करेंगे तो 45 लाख बचेगा, सेम वे ये इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो जाएगा, अभी जो आउट हो गया वो आउट हो गया। ओके टू क्या? कॉमन सेंस चलाओ, अरे मेरी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। टू क्या? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर। मैं इंटरेस्ट की बात बाद में करता हूं, इंटरेस्ट की बात बाद में करता हूं, पहले एंट्री समझ में आई? देखो लायबिलिटी साइड से डिबेंचर कैंसिल करो, असेट साइड से इन्वेस्टमेंट कैंसिल करो, लायबिलिटी साइड से लायबिलिटी कैंसिल करो, असेट साइड से इन्वेस्टमेंट कैंसिल करो। 5 लाख की लायबिलिटी हमेशा फेस वैल्यू पर होती है, इन्वेस्टमेंट हमेशा बुक वैल्यू पर होती है। टोटल बुक वैल्यू 7,84,000 8 के लिए, 8000 डिबेंचर के लिए, 5000 का कितना प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन? पोस्टिंग करो, 9% डिबेंचर डेबिट, सामने का नाम, व्हाट इज दैट सामने का नाम, द डेट क्या है? 31st 12, सामने का नाम, सामने का नाम, डिबेंचर डेबिट 5 लाख, डिबेंचर डेबिट 5 लाख, डिबेंचर डेबिट 5 लाख। मेरा लेक्चर 12:30 तक है, डिबेंचर डेबिट 5 लाख, डिबेंचर डेबिट 5 लाख, सामने का नाम, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 490, सामने का नाम, जब मैं जर्नल से लेजर लिखता हूं सबसे पहले मैं अमाउंट लिखता हूं ताकि मेरी मिस्टेक ना हो। सो मैंने पहले अमाउंट लिखा, फिर सामने का नाम लिखता हूं, जैसे कि डिबेंचर डेबिट 5 लाख, सामने का नाम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 490, सामने का नाम। हाँ फेस वैल्यू तो पता है ना, इन्फॉर्मेशन कॉलम है, सोच के आंसर देना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व, वो अकाउंट हम नहीं बना रहे,
That will go to capital reserve account. That account we don't make. We make four important account. ये entry post हो गई. चलो अभी सक्षम का problem दूर करें. क्या problem है सक्षम का? बोलता है sir, इसका interest का क्या होगा? सक्षम का problem क्या है? Interest का क्या होगा? मारवाड़ी दिमाग है. पहले बस बाद में मुड़ी बाद में interest की बात करो पहले. तो सुनना. Common sense चलाना. चलाया. डिबेंचर नाम की जो लायबिलिटी है, मैं भी सिर्फ फाइलेक वाले की बात कर रहा हूं, मैं भी सिर्फ फाइलेक वाले की बात कर रहा हूं. सितंबर के बाद अप टू दिसंबर वो फाइलेक फेस वैल्यू वाले डिबेंचर के पैसे यूज हुए कि नहीं हुए? हाँ हुए ना. सितंबर टू दिसंबर खाली फाइलेक की बात कर रहा हूं. 45 लाख की मुझे चिंता नहीं है, वो तो मैं एंड में इंटरेस्ट देने वाला हूं. 45 लाख पर तो हम इंटरेस्ट देने वाले ही है. मैं जो कैंसिल हो गया उसका फाइलेक की बात कर रहा हूं. सोच के आंसर दो, वो 5 लाख का इंटरेस्ट मुझे पीएनएल डेबिट में लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए ना, वरना मेरा पीएनएल लॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि बाद में तो मैं सिर्फ 45 लाख पर इंटरेस्ट देने वाला हूं. तो मैंने जो कैंसिलेशन के पहले यहां से यहां तक अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5000 डिबेंचर और 5 लाख रुपीज फेस वैल्यू का 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वरना पीएनएल एक्सपेंस लॉन्ग हो जाएंगे. लेकिन वो इंटरेस्ट देना किसको था? हम ही को. तो हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर चिल्लाएगा, बोलेगा तुमने डिबेंचर कैंसिल कर दिया, मेरी इनकम तो कंसीडर करो. सो टू व्हाट? सोच के आंसर दो. टू इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर. टू इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर 9% फेस वैल्यू 5 लाख 3 मंथ. इन अदर वर्ड्स सुनना, सुनो रूल कॉन्सेप्ट. जब भी आप डिबेंचर कैंसिल इन बिटवीन द ईयर करेंगे वहां तक का तो इंटरेस्ट कंसीडर करना पड़ता है. इफ यू आर बाइंग बैक द डिबेंचर इन बिटवीन द ईयर वहां तक का तो इंटरेस्ट अपन काउंट करते ही है. तो वही तो किया मैंने. 5 लाख 9% 3 मंथ. मैं जो डिबेंचर कैंसिल हो गया सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं. जो बचे हुए 45 लाख है वो तो आएगा ही आएगा इंटरेस्ट डेट पर. 9% 5 लाख 3 मंथ कितना है? 11250. डेट है 31/12/12. डिबेंचर इंटरेस्ट 11250. सामने का नाम इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर 11250. सामने का नाम 11250. 11250. सो सुनना, 15 लाख का 6 मंथ का इंटरेस्ट पहले दिया था. अभी वाले 5 लाख पर भी 3 मंथ होंगे अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन. सो 31/12/12 सब ट्रांजेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया. पहले मैंने डिबेंचर कैंसिलेशन की एंट्री कर दी, जिसको मुंबई की लैंग्वेज में फिटूस बोलते हैं. लायबिलिटी आउट हो गया, असेट भी आउट हो गया, उसका इंटरेस्ट की भी अकाउंटिंग कर दी. अब डेट वाइज जाओ, सोच के बोलो नेक्स्ट एंट्री कब है. डेट वाइज जाओ, सोचो नेक्स्ट एंट्री कब है. 31 जनवरी, व्हाट इज दैट एंट्री? अरे वी वांट मनी, तो 2000 डिबेंचर बेच डालो. ये 100% इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर हो गया. मैं इन्वेस्टमेंट इन टाटा रिलायंस डिबेंचर बेचता हूं कि इन्वेस्टमेंट इन माय ओन कंपनी बेचता हूं, बात तो एक ही है. वो बेच डालो. 31 जनवरी, 31 जनवरी सेल द इन्वेस्टमेंट. याद करिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर. जब भी मैं इन्वेस्टमेंट बेचता हूं, बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट. एवरी टाइम आई सेल इन्वेस्टमेंट आई पास दिस जर्नल. क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर है तो ये इंटरेस्ट भी ऑन ओन डिबेंचर है. बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट. हम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं. बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट. वी आर सेलिंग द इन्वेस्टमेंट, वी आर सेलिंग द इन्वेस्टमेंट. हम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं. जर्नल एंट्री कर दो. हम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं. सबसे पहला सोच के आंसर देना, क्या लिखते हैं? एक्चुअल रिसीप्ट. एक्चुअल रिसीप्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कोटेशन. क्वेश्चन पढ़िए, किस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है.
x interest price plus interest from 30 September to 31st January, 4 months. Yaad kariye, x interest, com interest, method of negotiation hai. X interest, tum khada ho ke wahan chala ja. Oh, corner boy, oh, corner par ja, jaldi ja. Ekdam last corner. सब बुक बुक जो भी है लेके चला जाए जल्दी से लास्ट कॉर्नर. मेरे पास अटेंडेंस आया नहीं है, सेकंड वाली अटेंडेंस आई नहीं है, लाओ. चलिए, एक्चुअल रिसीप्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए. एक्चुअल रिसीप्ट गोरखपुर अटेंडेंस पेपर दो. पानी के बॉटल किसके पास है? भरा हुआ एक. इधर इसके सर पर डाल देते, ला उठा देते. सब पानी की बोतल डाल सकता हूँ, ये सब काम मैं कर सकता हूँ. चलिए, बाद में काउंट भी करना है, अटेंडेंस भी गिननी है, ट्रेसिंग भी करना है, दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. चलो स्टार्ट करो आगे. बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट. X interest price बताइए, what is that X interest price? 2000 डिबेंचर बेचा है, what price? 101, बताओ कितना हो गया? 2,02,000 प्लस क्या इंटरेस्ट. what is that rate of interest? 9%. face value 2,00,000. how many months? 4 months. कौन से 4 months? सितंबर के बाद, सितंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सितंबर के बाद अप टू जनवरी. सो दैट्स अ 6,000. सो 2,08,000. सो बैंक डेबिट 2,08,000, इंटरेस्ट वॉज 6 एंड इन्वेस्टमेंट 2,02,000. बैंक डेबिट 2,08,000, इंटरेस्ट इज 6,000 एंड इन्वेस्टमेंट 2,02,000. जर्नल से लेजर में पोस्ट करना. बैंक डेबिट एक्चुअल रिसीव, बैंक डेबिट 2,08,000. उस्ताद, बैंक डेबिट 2,08,000, इंटरेस्ट इनकम 6,000, इन्वेस्टमेंट, सो इंटरेस्ट 6,000. सामने का नाम बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट 2,02,000. सामने का नाम, फेस वैल्यू जो मैं इन्वेस्टमेंट बेचता हूं 2,00,000. सेम डेट पर और एक एंट्री बाकी है, कोई बता सकता है क्या? हाँ, प्रॉफिट और लॉस इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चैप्टर याद करो. एवरी टाइम यू सेल इन्वेस्टमेंट देयर विल बी अ प्रॉफिट और लॉस. एवरी टाइम यू सेल इन्वेस्टमेंट देयर विल बी प्रॉफिट लॉस. Every time you sell investment, there will be profit loss. So, अभी मैं calculation of profit loss करने वाला हूँ. सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू, I'll get profit loss. सेल प्राइस तो मुझे मालूम है 2,02,000 है, डोंट से 2,08,000 है, वो तो इंटरेस्ट के साथ है. इन्वेस्टमेंट की सेल प्राइस 2,02,000 है, लेस कॉस्ट बुक वैल्यू. सोच के बताओ बुक वैल्यू कॉस्ट कैसे निकालेगा? वन मेथड, डेबिट माइनस क्रेडिट, राइट? डेबिट माइनस क्रेडिट, ये प्रॉब्लम है. सिर्फ ये प्रॉब्लम है, शॉर्टकट भी है. 784 का खरीदा है, डिवाइड बाय 8,000, 8,000 डिबेंचर प्रोपोर्शनेटली 2,000. दोनों में से कर सकते हैं, डेबिट माइनस क्रेडिट से भी कर सकते हैं. डेबिट माइनस क्रेडिट भी करेंगे तो वही मेथड होगी ना. देखो ना, 8 में से 5,000 डिबेंचर बेच दिया है, रिमेनिंग का निकालना है, व्हाटएवर वे यू वांट. सो कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस. क्या ये मिटा दूं मैं? मुझे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस करना है, खुद ही करके निकालो. सेल प्राइस कितना है? सेल प्राइस आई टेल यू 2,02,000 है. लेस बुक वैल्यू, दैट इज कॉस्ट कितना है. आपको 8,000 डिबेंचर की कॉस्ट मालूम है, उसी में से 2,000 की निकालो. वट एवर वे यू वॉन्ट, डेबिट क्रेडिट से भी कर सकते हैं. सेम आंसर विल कम. सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू, सो इसको मिटाओ. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, सेम डेट. कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ऑन सेल. सेल प्राइस
202 less cost book value अलग अलग 784 8000 का है तो उसी में से 5 पहले बेचा 2 अभी बेच रहा हूं तो 2 का कितना है दैट्स वन वे अल्टरनेटिवली आप डेबिट माइनस क्रेडिट करो सब एक ही आंसर आता है कितना 196 तो ज्यादा पैसा आ गया प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन सो टू पीएनएल लॉस है तो पीएनएल डेबिट लॉस है तो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है तो रिवर्स एंट्री प्रॉफिट है तो रिवर्स एंट्री सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बुक वैल्यू व्हाट एवर वर्ड यू कैन ये बहुत सारी मेथड से निकल सकता है डायरेक्टली भी निकाल सकते थे मैंने कुछ 98 रुपीस में खरीदा था 2000 मल्टीप्लाई बाय 98 भी कर सकते थे इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल इन्वेस्टमेंट बेचने का प्रॉफिट पीएनएल में जाता है कैपिटल रिजर्व में नहीं इनफैक्ट 31 जनवरी का सब ट्रांजेक्शन खत्म हो गया 31 जनवरी के सब ट्रांजेक्शन खत्म हो गए अब हम लास्ट डेट पे इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन बचा है 31 जनवरी के सब ट्रांजेक्शन खत्म हो गए अब लास्ट डेट पे इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन बचा है भाग मत जाना अटेंडेंस चेक करना है वरना एब्सेंट हो जाएंगे मैं काउंट करता हूं तब 31 जनवरी का कैलकुलेशन करो इंटरेस्ट का अब 30 सितंबर की मॉडल एंट्री चेक करना है एंट्री वही रहेगी अमाउंट ऑफ कोर्स चेंज होगा 30 सितंबर में हमने इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया था एंट्री वही रहेगी अमाउंट विल चेंज 30 सितंबर में भी हमने इंटरेस्ट दिया था ना एवरी सिक्स मंथ वी आर गिविंग इंटरेस्ट ओनली अमाउंट विल चेंज ये किसका है बॉटल 30 सितंबर में जो एंट्री है वही एंट्री 31 मार्च को होगी ओनली द अमाउंट विल चेंज क्या मिटाओ इसको बताइए अमाउंट देखो सबसे पहला डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट फॉरगेट द अमाउंट सोच के बोलो मैं कौन सा अकाउंट की बात कर रहा हूं अरे भाई ये डिबेंचर नाम की लोन है उसके पर एवरी सिक्स मंथ आई टू पे इंटरेस्ट अब सोच के बोलो मेरी डिबेंचर लायबिलिटी कितनी है लायबिलिटी अकाउंट देखो 45 लाख इज राइट आंसर देखो ना 5 लाख का कैंसिल हो गया था मेरी डिबेंचर लायबिलिटी तो 45 लाख है सो 9% किसके पास है वो बाद में बात है 45 लाख फॉर 6 मंथ हमारी डिबेंचर लायबिलिटी चेक करो 45 लाख की है 9% 45 लाख फॉर 6 मंथ बताओ कवन कितना अमाउंट आया 2,02,500 इंटरेस्ट ऑन अवर ओन डिबेंचर एंड जो बाहर वाले के पास है टू बैंक इंटरेस्ट हमेशा रात को 12 बजे कैलकुलेट करेंगे सोच के आंसर देना मेरे पास कितने के डिबेंचर है रात को 12 बजे 31 मार्च 1 लाख फेस वैल्यू 1000 इन नंबर राइट कैसे पहले 8000 था 5000 तो कैंसिल हो गया 2000 सोल्ड हो गया तब हमने आगे वाले से इंटरेस्ट भी वसूल कर लिया था पता है ना 5 मंथ का कुछ 4 मंथ का सो अभी पूरा इंटरेस्ट का अधिकार उसका है हम खाली इंटरेस्ट रेट पर देखते हैं जो मालिक होता है उसे इंटरेस्ट मिलता है उसके बीच का अपने आप एंट्री हो जाता है सो अभी हमारे पास सिर्फ 1 लाख का है सो 9% 1 लाख फॉर 6 मंथ ये देखिए ये वाला फिगर 9% 1 लाख फॉर 6 मंथ ये माय इंटरेस्ट ऑन माय ओन डिबेंचर देखो ना 8000 डिबेंचर में से 5000 डिबेंचर कैंसिल हो गया था 2000 डिबेंचर बेच दिया अब हमारे पास नहीं रहा रात को 12 बजे बेचने के पहले जो भी इंटरेस्ट था मैंने ले लिया था अब ओनली 1000 डिबेंचर बचा है 1 लाख रुपीस बोलिए कितना आया 4500 और ये बैलेंसिंग फिगर है अब ये चेक भी कर सकते हैं आउटसाइडर के पास रात को 12 बजे कितना डिबेंचर है 44 लाख का आप चेक भी कर सकते हैं बैलेंसिंग फिगर ले लो नो नीड टू चेक
45 लाख के डिबेंचर है, 1 लाख हमारे पास है, तो बाकी सब आउटसाइडर के पास है. 45 लाख में से हमारे पास 1 लाख है, ऑल रिमेनिंग इज विद आउटसाइडर. सो डिबेंचर इंटरेस्ट, सामने का नाम 4,500, 1,98,000, 31st March, सामने का नाम 202 debit, उसमें से 4,500 तो हमारा ही है. बैंक अकाउंट ऑफकोर्स वी आर नॉट मेकिंग. डिबेंचर इंटरेस्ट टोटल है 2,02,500, टोटल है 2,02,500, 4,500 हमारा है, बाकी का आउटसाइडर के पास है. ये वर्किंग जो भी कर रहे, इट्स ऑल फॉर अंडरस्टैंडिंग. एग्जाम में मार्क्स सिर्फ इसका था. टेक्निकली सब एंट्री खत्म हो गई, अब जरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं. ध्यान से देखना, क्या ये मिटा दूं? अंडरस्टैंड इट केयरफुली. या देखिए, ये अकाउंट मैं क्लोज करता हूं, पहले बताओ ये अकाउंट असेट साइड का है कि लायबिलिटी साइड का है? लायबिलिटी साइड का. सोच के आंसर दो, यहां एंड ऑफ द ईयर बैलेंस 45 लाख क्यों है और व्हाट डज इट मीन? ये क्या है? ये बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कितना है? 45 लाख, 9% डिबेंचर. अब बताओ ये क्या था? अरे भाई, एंड ऑफ द ईयर 45 लाख के डिबेंचर लायबिलिटी है. हमारा लोन मैनेजर के पास अभी भी 45 लाख का डिबेंचर है. वैसे नॉलेज के लिए, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था? 50 लाख. 45 कैसे हो गया? समथिंग इन बिटवीन कुछ कैंसिल हो गया था. अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट अकाउंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं. सोच के बोलना, यहां टोटल कितना है? टोटल 4,38,750. ये बैलेंसिंग फिगर है. मैंने यहां सर्कल क्यों किया? यहां ये इंटरेस्ट है, ये एक्सपेंडिचर है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है. क्या नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट में होता है? नहीं. नॉमिनल अकाउंट एंड ऑफ द ईयर पीएनएल में जाता है. अब बताओ इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? जब मैं पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड लिखता हूं, मैं पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड लिखता हूं, तो वहां मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट 438,750 है. तो मैं अपने आप को क्या समझा रहा हूं कि भाई आई हैड 50 लाख, जितना जितना पैसा वापरा है उस टाइम का इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कर दिया है, एंड पूरा 12 मंथ का इतना इंटरेस्ट है. जैसे कि मैंने 5 लाख जो रीपे किया था, रिडीम किया था, वो कुछ सितंबर में था, किधर तो था ना. हम लोग ने जो सितंबर तक कुछ 5 लाख नहीं, कैंसिलेशन तो बाद में हुआ था ना, कैंसिलेशन शायद बाद में हुआ था. फर्स्ट 6 मंथ नो कैंसिलेशन, पूरा हाफ ईयर का इंटरेस्ट है. फिर नेक्स्ट 3 महीना कुछ 5 लाख कैंसिल किया तो उसका इंटरेस्ट इतना है, एंड रिमेनिंग 45 लाख का इंटरेस्ट है. सो दैट वे ये जो इंटरेस्ट है क्या है बताइए, ये इंटरेस्ट क्या है? जितना पैसा हमने वापरा था, जब जब वापरा था, उसका एक्चुअल एक्सपेंस 438 है. ठीक है, ये क्या है? ये बताओ, टोटल बताओ.
ये 790 है, बैलेंस बताओ 98. सोच के बोलो, क्या ये फिगर में ओरली 98 निकाल सकता था बिना अकाउंट देखे? हाँ, कैसे? 1000 डिबेंचर बचे थे, 98 में खरीदा था, तो 98 ही तो हो सकता है. क्या लिखूं इधर मैं, क्या लिखूं? कोई भी लेजर अकाउंट जब क्लोज करते हैं ना एंड ऑफ द ईयर, दो ही वर्ड होता है, या तो पीएनएल या तो बैलेंस, नो थर्ड वर्ड. फाइनल अकाउंट या तो पीएनएल में जाता है या तो बैलेंस जाता है. नॉमिनल अकाउंट पीएनएल में जाता है, असेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाता है. सो बैलेंस शीट में आएगा. कैसे लिखा जाएगा बैलेंस शीट में? इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर, मेरी कॉस्ट प्राइस बुक वैल्यू 98 है, नॉलेज के लिए फेस वैल्यू 1 लाख है. नॉलेज के लिए फेस वैल्यू 1 लाख है. अब इसको क्लोज करो, ये टोटल कितना है? 57,750. बैलेंस कितना है? या क्यों सर्कल किया? नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑलवेज क्लोज टू पीएनएल. नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑलवेज क्लोज टू पीएनएल. तो ये मेरे पीएनएल क्रेडिट साइड है. सोच के आंसर दो, बैलेंस शीट कब की होती है? 3 महीने की, 6 महीने की कि 12 महीने की? 12 महीने की. गलत जवाब. बैलेंस शीट रात को 12 बजे की होती है. भूल गए सिंगल एंट्री स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. बैलेंस शीट कोई पीरियड की नहीं होती है. 31 मार्च रात को 12 बजे की पोजीशन है. 31 मार्च रात को 12 बजे मेरे पास डिबेंचर लोन है 45 लाख, और हमारे ही पास अपने खुद के कुछ इन्वेस्टमेंट है. लेकिन पीएनएल अकाउंट पीरियड के लिए होता है, ये ईयर एंडिंग के लिए है कि 50 लाख में से जब जब जितना पैसा वापरा था उस हिसाब से मेरा टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस 438,750 है. लोन मैनेजर जिसने 50 लाख की लोन लिया था वो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए जिम्मेदार है. लेकिन इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने भी कुछ इनकम कमा के दिया है, इतनी इनकम पीएनएल क्रेडिट साइड में. यह अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक है. क्या तुम्हें पता है ये सब खत्म हो गया? उस्ताद इसको बंद करो तुम.